आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारी खास पेशकश गुनहगार में आप सभी का स्वागत है। तो एक तरफ जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की कानून व्यवस्था की तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस उनके ही दावों को धूमिल करती हुई नजर आ रही है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लखनऊ में लगातार संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिल रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कभी यहां नाले में शव मिल रहा है तो कभी जंगल में, और पुलिस मूक दर्शक बनी बस क्राइम होने के बाद अपनी बगले झांक रही है। पुलिस सुरक्षा के तमाम दावे और वादे तो करती है, लेकिन ये वादे तब सूली पर लटक जाते हैं जब राजधानी लखनऊ जैसे जिले में अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं और खुली हवा में मौज करते हैं। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद लखनऊवासी सुरक्षा को लेकर मुतमईन हो गए थे, लेकिन लगातार बढ़ते हुए अपराध पुलिस कमिश्नरेट पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर लखनऊ में कहां कहां और कैसे अपराध हो रहे हैं। क्राइम कैपिटल बनताल लखनऊ। घटना नंबर एक, कूड़े के ढेर में मिला युवती का जला हुआ शव। घटना नंबर दो, शादी के दिन युवती की हत्या कर शव जंगल में फेंका। घटना नंबर तीन, कुकरैल नाले के अंदर मिला युवती का शव। प्लॉट जंगल नाले में लगातार मिल रहे शव, पुलिस के रात्रि गश्त पर उठे सवाल। ये सभी वारदातें पुलिस की कार्य प्रणाली को कहीं ना कहीं संदिग्ध बनाता है। सबसे पहले बात करेंगे ठाकुरगंज की आम्रपाली चौकी क्षेत्र में गहला पुल के पास कूड़ा डंपिंग ग्राउंड की वारदात की। 21 मार्च 2022 के दिन कूड़े के ढेर में एक युवती का जला हुआ शव मिला था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए थे। हालांकि मृतका की पहचान नहीं हो सकी और ना ही ये स्पष्ट हो सका कि उसे मारने के बाद कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में शव जलाया गया है। इस मामले पर दुष्कर्म के बाद हत्या और साक्ष्य मिटाने के लिए शव जलाने की भी आशंका जताई जा रही थी। इस घटना का खुलासा आज तक नहीं हुआ। वहीं अभी हाल ही के दिनों में महानगर की घटना लोगों के बीच चर्चा बन गई थी। यहां एक युवती की शादी के दिन ही उसकी हत्या कर दी जाती है और शव को कुकरैल जंगल में ठिकाने लगा दिया जाता है। वहीं सोमवार को एक युवती का महानगर के कुकरैल नाले के अंदर कई दिन पुराना शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने इन घटनाओं के बाद से कई बड़े दावे किए हैं, लेकिन ये दावे कितने सख्त साबित होते हैं ये समय ही बताएगा। महिलाओं और युवतियों की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाना, अब बदमाशों ने इन युवतियों की हत्या करने के बाद ठिकाने लगाने का स्थान भी तलाश कर लिया है। अब जिस तरीके से युवतियों और महिलाओं के शव जहां पर पाए जा रहे हैं उसको लेकर साफ कहा जा सकता है कि अब बदमाशों ने इन हत्याओं को करने के बाद शव को ठिकाने लगाने का स्थान भी ढूंढ लिया है। हम बात कर रहे हैं कुकरैल जंगल में जिस तरह से एक युवती की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया था और उसके चार दिन बाद जब शव बरामद हुआ तब इस मामले का खुलासा भी हुआ था। लेकिन अभी बात की जाए सोमवार की, तो सोमवार को भी कुकरैल के बहते नाले में फंसी हुई एक युवती का शव पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उस शव को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन उस युवती का हत्यारा कौन है इस मामले में पुलिस ने अभी उसको खोज भी नहीं पाई है। लेकिन अगर हम आपको थोड़ा पीछे ले जाएं तो आपको एक घटनाक्रम की और तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर घैला यानी कि जो IM रोड का दुबग्गा बाईपास, उधर जहां पर कूड़ा डंप किया जाता है, उस कूड़े के डंप के बीच में युवती की हत्या कर शव को जलाया गया था। उस युवती के शव की आज तक शिनाख्त नहीं हो पाई और ना ही उसके हत्यारे आज तक पकड़े गए। फिलहाल इन सभी घटनाओं के पीछे अब आप कहेंगे वजह क्या है और बदमाशों को
आखिर ये स्थान कैसे मिले, क्योंकि जब पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़ा हो तो जाहिर सी बात है उसका पूरा फायदा बदमाश भी उठाते हैं, क्योंकि जहां पर पुलिस की गश्त के बीच लोग नहीं नजर आते उन्हीं स्थानों को इन बदमाशों के द्वारा चुना जाता है। हम बात कर रहे हैं कुकरेल जंगल की, जिन जंगलों के बीच पुलिस रात को गश्त करते हुए नजर नहीं आती। आखिरकार उन्हीं जगहों पर युवतियों के शव क्यों पाए जाते हैं? फिलहाल जिस तरीके से ये युवतियों के शव अलग अलग स्थानों पर पाए गए और जो स्थान थे वो फिर ग्रामीण इलाके की खाली प्लाट जो बाउंड्री के बीच वहाँ की बात की जाए या फिर पारा में जिस तरीके से खाली प्लाट में युवती को ठिकाने लगाया गया और जिस तरीके से जो अभी युवतियों की हत्या कर उनके शव पुलिस को मिले हैं उनका खुलासा कितना हुआ है ये आपको भी मालूम है। पारा की घटना का आज तक खुलासा नहीं हुआ। दुबग्गा की घटनाओं पर जिस तरीके से डंप के बीच युवतियों के शव पाए गए उनका भी आज तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इसका पूरा फायदा बदमाशों ने बड़े ही चालाकी से उठाया। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि उन क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी, लेकिन उस स्थानों पर रात को पुलिस अभी भी नहीं देखी जाती है। आखिरकार क्या वजह रहती है कि पुलिस उन क्षेत्रों में गश्त करने से कतराती है? फिलहाल जिस तरीके से अधिकारी दावा कर रहे हैं उन दावों के बीच क्या पुलिस इन स्थानों पर गश्त बढ़ाएगी या फिर जो बदमाश हैं वो पूरा आज भी उसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे? फिलहाल ये सभी लोगों के बीच सवाल बने हुए, इन सवालों पे पुलिस कितनी खरी उतरती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। एक कुल का चिराग बनेगा बेटा तो दो कुलों को रोशन करेंगी बेटियां, या यूं कहे कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। यह तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई और तमाम सरकारों ने यह दावा भी किया, लेकिन हर सरकार का हाल वही सेम रहा, क्योंकि महिलाएं और युवतियां किसी भी सरकार में सुरक्षित नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम रैलियों में दावे करते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त है, यूपी में बेटियां सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई में यूपी में बेटियां सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल है। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।